आज हम लोगों का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी बहुत ही कॉमन वर्ड है और एनर्जी से ही ये दुनिया चलती है। दैट इज कंटेंट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड बिकॉज विदाउट एनर्जी नथिंग कैन बी डन। व्हाट कैन बी डन? ए वर्क कैन बी डन विथ एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? द बेसिकली एनर्जी इज ए स्टोर ऑफ वर्क एंड वी कैन डू वर्क इफ वी हैव एनर्जी। This is how we use the word energy. तो एनर्जी को किसके लिए यूज करना है? वर्क के स्टोर के लिए, जो किसी भी बॉडी में होता है और उस एनर्जी को, उस एनर्जी के कारण वो वर्क कर सकती है। इट इज बिकॉज इफ ए बॉडी इज कैपेबल ऑफ वर्किंग देन वी विल से द बॉडी हैज एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क। अगर एक बॉडी कोई वर्क नहीं कर सकती है, वी विल से उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, ओके। सो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी। ओके, जो सिस्टम, जो बॉडी वर्क कर सकती है उसके पास एनर्जी है और ये एनर्जी एक स्टोर है वर्क का। उस स्टोर में से वो वर्क निकाल निकाल कर वर्क करती जाएगी। वो जब वर्क करती है देन वी से इट इज स्पेंडिंग एनर्जी। इट इज स्पेंडिंग एनर्जी एंड इट इज डूइंग द वर्क। सो स्पेंडिंग एनर्जी एंड डूइंग द वर्क इज सेम थिंग। सो जैसे एक ड्रम है, ड्रम में हमने पानी भरा है और वहां से पानी की करंट निकलती है। पानी निकलता है तो उसके पास स्टोर किसका है? पानी का, इसलिए उसमें से पानी दे सकता है। अगर एक बॉडी वर्क कर सकती है तो उसके पास स्टोर किसका है? वर्क का, और उस स्टोर को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ओके, अब हमको अपने नेचर में किसी बॉडी में कैपेसिटी ऑफ वर्किंग है या नहीं है, यह कैसे पता चलता है कि उसके पास एनर्जी है या नहीं है? तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ सिस्टम्स बनाए हैं। ये एनर्जी को हम उस बॉडी में पहचान सकते हैं कि उसके पास एनर्जी है या एनर्जी नहीं है। इसको पहचानने का तरीका देखिए, देर आर टू टाइप्स टू रिकॉग्नाइज दिस। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि एनर्जी दो तरह की होती है। देर आर टू वेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दैट ए बॉडी हैज ए स्टोर ऑफ वर्क। It can do the work. It is having energy. Pehla, the first type of energy is if a body is in motion. If the body is in motion, if a body is moving, then sure it has energy. That means it has capacity to do the work. Right? Okay. Dusra, ये जो दो तरह की एनर्जी होती है ये मैंने अभी आपको पहले बताई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरी तरह की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तरह की एनर्जी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे एंड यू विल रिकॉग्नाइज कि ये एनर्जी किस तरह से होती है। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी के पास में है? इट इज विद द बॉडी विच इज इन मोशन। Can it do the work? Yes, it can do the work. जैसे एक हैमर मैंने लिया, यहां पर एक नेल लगाया और उस हैमर को यहां ऐसे रख दिया। ये नेल अंदर नहीं जाता है, हैमर को रखा है सिर्फ, अंदर नहीं जाता है। ये हैमर इस नेल पर कुछ वर्क नहीं कर पा रहा है, नॉट डूइंग द वर्क, इट इज हैविंग नो एनर्जी। उसके बाद मैंने इसको उठाया और ऐसे हिट किया। Now it has got velocity. 1, 2, 3, 4, 5, 10 velocity आ गई। Now it hits it. और ये अंदर चला गया। It has done the work. अब अगर इसने work किया, I will say it was having energy. ठीक है? क्योंकि इसने work करके दिखाया। ये energy इसके पास क्यों आई? पहले जब मैंने ऐसे hammer रखा, तब तो इसको अंदर नहीं ले जा रहा था। लेकिन जब ऐसे आया और जब ये motion में थी, तो इसके पास एनर्जी आ गई और उसके कारण इसने इसको प्रेस कर दिया। तो वर्क इसने कब किया? जब इसके पास वेलोसिटी थी, जब इसके पास मोशन था। ये वाली जो एनर्जी इसके पास आई थी, ये किस कैटेगरी में आएगी? काइनेटिक एनर्जी।
क्योंकि ये एनर्जी किस कारण से है? इसकी मोशन के कारण, इसकी वेलोसिटी के कारण। तो किसी भी बॉडी में वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होगी, दैट विल बी नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक तालाब में, एक तालाब है, उसमें मैंने एक टर्बाइन डाली। ये एक टर्बाइन है, ऐसे ये टर्बाइन है, और इसको मैंने ऐसे तालाब में डुबा दिया। ये टर्बाइन यहां पर खड़ी है, और ऐसे आधी डूबी, फिर निकाला, डाला, कुछ किया, घूमी नहीं, नहीं घूमती है। लेकिन इसी टर्बाइन को लेकर नदी में हम गए, और नदी में ऐसे डाला, नदी का पानी ऐसे आया, और ये टर्बाइन ऐसे घूमनी शुरू हो गई। टर्बाइन घूमनी शुरू हो गई, उससे हमारा जनरेटर चला, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी निकली, हमारा वर्क हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन, टर्बाइन को मूव करने का वर्क कौन करता है, तालाब का पानी कि नदी का पानी? दोनों ही तो पानी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, एक के पास मोशन है, यानी मोशन वाली ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की कैपेसिटी होती है। तो मोशन वाले ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। और ये कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन के कारण, राइट? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी को अब हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, इसकी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस किस पर ये डिपेंड करती है। एनर्जी से हम वर्क करेंगे, कोई भी बॉडी जितना वर्क कर सकती है वो उसकी एनर्जी है, उसके बाद वो वर्क करना बंद कर देगी, एनर्जी खत्म। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए? तो आंसर है, वो स्टोर किसका है? वर्क का है, इसलिए उसकी यूनिट भी हम क्या लेंगे? जूल। वी विल नॉट पुट एनी सेपरेट यूनिट फॉर एनर्जी डिफरेंट देन द वर्क यूनिट, बिकॉज आफ्टर ऑल एनर्जी इज नॉट अ डिफरेंट क्वांटिटी। व्हाट इज इट बेसिकली? इट इज ए वर्क स्टोर, इट इज ए स्टोरेज ऑफ वर्क, इसलिए वही यूनिट उसकी है, ठीक है? ओके, तो इसका यूनिट जूल ही रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद एनर्जी के कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट होते, पर वो जब हम इस चैप्टर के लास्ट में एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म स्टडी करेंगे, हीट इज ए फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए फॉर्म, डिफरेंट एनर्जीज आर फॉर्म्स, तो उस समय हम कई बार दूसरी तरह की यूनिट यूज करेंगे, एंड वी विल कम टू दैट। सो वी वर स्टडिंग काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन। यहां पर एक चीज हम और बताना चाहते हैं, देर इज वन एडजेक्टिव वी यूज, वन टाइप ऑफ एनर्जी वी यूज, एंड दैट वी कॉल मैकेनिकल एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी? द आंसर इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन अप्लाई फोर्स एंड डू द डिस्प्लेसमेंट, विच हैज ए फोर्स विच इज डूइंग डिस्प्लेसमेंट इज मैकेनिकल एनर्जी। एक कार जा रही है और उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, उसने उसको हिट किया, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसने इसको हिट किया और इसको दबा दिया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसने जो एनर्जी खर्च की, उस एनर्जी का, वो एनर्जी किस कैटेगरी में आएगी? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? तो ये जो एनर्जी फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करके बनाई जाती है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। उसी मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म है जो हम स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ दोज टू एनर्जी। सो देर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अदर देन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल, If a body can apply force and do the displacement, then it has mechanical energy.
ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की हो सकती है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। अब एक चीज हमको और समझ लेनी है एनर्जी के रेफरेंस में कि एनर्जी हम बना नहीं सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो लॉ भी बाद में आएगा। एनर्जी हम बना नहीं सकते हैं, एनर्जी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्रांसफर दी एनर्जी। अगर हमको एनर्जी को ट्रांसफर करना है और हम ये कहते हैं कि एक चलती हुई कार के पास एनर्जी है, एक चलते हुए हैमर के पास एनर्जी है, तो इनके पास एनर्जी कहाँ से आई? दुनिया में कोई भी चीज़ एनर्जी को बना नहीं सकती है। एनर्जी जितना स्टॉक है इस नेचर में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो एक फिक्स स्टॉक है। उसी स्टॉक में से हम एनर्जी को इधर इधर ट्रांसफर करते रहते हैं। ओके, तो उस रिलेशन को मैं अभी आपको और क्लियर करूंगा कि जब हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। एनीवे, उस प्रोसेस को, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड इट नाउ। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं वर्क। वर्क, काम करना। तो बेसिकली वर्क की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, और व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, देन वी आर डूइंग द वर्क। थोड़ा सुनने में स्ट्रेंज लगती है, बट रिमेंबर दिस इज फैक्ट, दिस इज डूइंग द वर्क। तो वर्क करने में हम किसी चीज को खर्च नहीं करते, हम ट्रांसफर करते। कैसे ट्रांसफर करते हैं? आपको मैंने एक छोटा सा वर्क दिया कि जाइए हाथ धो के आइए। हाथ धोने के वर्क में क्या खर्च होता है? पानी। ओके, आपने बोला 2 लीटर पानी खर्च होगा, ठीक है, 2 लीटर पानी खर्च होने से हाथ धुल जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में ऊपर एक टैंक बनाया, इस टैंक में पानी डाल दिया, इस टैंक से पाइप लगाया, यहां वॉश बेसिन लगाया, और इस वॉश बेसिन के नीचे सिंक है, और सिंक के नीचे ये हमारा स्टोरेज है, दिस इज सिंक स्टोर। अब यहां पर से हमने नल को खोला, हाथ धोए, ये पानी कितना बच गया? 8 लीटर। 2 लीटर पानी से हमने हाथ धोया, इसके पास पहले पानी था 0 लीटर, जब हम हाथ धो चुके तो इसके पास कितना हो गया? 2 लीटर। ओके, पहले जब हमने हाथ नहीं धोए थे, काम नहीं हुआ था, तो टोटल पानी कितना था? 10 लीटर प्लस 0 लीटर, टोटल 10 लीटर था, हमने हाथ धो लिया, अब पानी कितना है? 8 लीटर एंड 2 लीटर, अभी भी कितना है? 10 लीटर। तो पानी खर्च हुआ क्या? लेकिन आप कह रहे हैं कि हाथ धोने में 2 लीटर पानी खर्च हुआ, तो खर्च हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हाथ धोने में पानी खर्च होता है कि नहीं होता है? कहां वेस्ट होता है? ये तो 10 लीटर पहले भी था, 10 प्लस 0, और अभी भी 8 प्लस 2, 10 लीटर अभी भी है, कोई पानी खर्च नहीं हुआ। नहीं, वेस्ट कोई प्रोसेस नहीं है, डर्टी कुछ नहीं होता फिजिक्स में। डर्टी क्या होता है? पानी के अंदर आप कोई एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो चीज आपके हाथ में लगी हुई थी, अगर मिट्टी लगी हुई थी तो मिट्टी उसमें लग गई, चौक लगी थी, चौक उसमें सॉल्यूशन बन गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की ये लैंग्वेज होती है, उसमें डर्टी क्लीन कुछ नहीं होता। ओके, लेकिन पानी की हम बात कर रहे हैं ना, पानी पहले भी 10 था, अभी भी 10 था, तो हमने क्या किया? हमने ट्रांसफर किया पानी को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, और जिस डिवाइस से ट्रांसफर किया, ये डिवाइस, इसको हम क्या कहते हैं कि हमने वर्क कर लिया, बीच में वर्क कर लिया। फिर से देखिए, एक डैम में पानी भरा हुआ है और वहां से वो लगातार झरने से गिर रहा है और बह के समुद्र में जा रहा है, हमने बीच में एक टर्बाइन लगा दी, पानी अभी भी उतना ही का उतना है, लेकिन जब वो टर्बाइन से जाता है ऐसे जाते हुए, तो टरबाइन को घुमा देता है, हम क्या कहते हैं? हमारा काम हो गया, वर्क इज डन। लेकिन पानी की क्वांटिटी खर्च हुई? नहीं हुई।
लेकिन हम इंजीनियर से पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन चलाने के लिए कितना पानी चाहिए, तो वो आपको बताएगा हमको दिन भर में 24,000 लीटर पानी चाहिए। लेकिन वो 24,000 लीटर पानी को कहाँ ले जाता है खर्च करने? कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ पानी को ट्रांसफर करता है, कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे, ऐसा ट्रांसफर कर लेता है। तो इसी तरह से एनर्जी को जब भी हम चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। कैसे करते हैं? सब लोग रोज करते हैं, घर में जाते हैं, गैस जलाते हैं, वो क्या हो रहा है, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन कन्वर्टिंग टू CO2, हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन से हीट एनर्जी बनाई, ठीक है। केमिकल एनर्जी थी उसके अंदर, गैस के अंदर केमिकल एनर्जी थी 1000 जूल, उसको हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया 1000 जूल, और वो जो 1000 जूल जब हीट में कन्वर्ट हो रही थी, कन्वर्ट होके ऐसा वो उड़ती, हमने बीच में अपना चाय का बर्तन रख दिया, तो उसके रास्ते में चाय का बर्तन आ गया, तो चाय का बर्तन गर्म हो गया, और कुछ रखते वो गर्म हो जाता। ओके, चाय का बर्तन गर्म हुआ, चाय बन गई, बाकी केमिकल एनर्जी तो हीट एनर्जी बन गई, लेकिन हमारा काम हो गया। हमारा काम क्या था, चाय बनाना, और चाय बन गई तो वर्क हुआ। क्या हमने एनर्जी को खर्च कर दिया? नहीं कर दिया, क्योंकि जो 1000 जूल बनी थी अभी भी है, पहले केमिकल के फॉर्म में थी, अब हीट के फॉर्म में है, तो फिर हमारा वर्क किससे हो गया? तो हमारा ये कहना है कि वर्क का मतलब एनर्जी का खर्च करना नहीं होता है, वर्क कैसे होता है, एनर्जी का ट्रांसफर। एनर्जी का जब भी ट्रांसफर प्रोसेस होती है, तो बीच में जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क करना, ठीक है। इसी तरह से हम पेट्रोल लेकर आए, हम कहते हैं इसमें पेट्रोल में बहुत एनर्जी है, ठीक है, हमने पेट्रोल के पास एनर्जी थी 1,00,000 जूल, उसको मोटरसाइकिल में डाला, मोटरसाइकिल चलाई, थोड़ी देर बाद पेट्रोल खत्म हो गया, हमने बोला यार 1,00,000 जूल खर्च हो गया, 1,00,000 जूल खर्च नहीं हुआ, उस पेट्रोल जला, जलने से हीट बनी, उसका स्मोक निकला, स्मोक निकल के वो हीट एटमॉस्फेयर में चली गई, तो वो 1,00,000 जूल कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में है, हीट बन गया। अब इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, उसको 1,00,000 जूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1,00,000 जूल पहले केमिकल एनर्जी था, 1,00,000 जूल हीट एनर्जी बन गया, ट्रांसफर हो गया, हमको क्या मिला? उस ट्रांसफर का जो रास्ता है, केमिकल से हीट बनने का जो रास्ता है, हमने ऐसा सेट किया कि हमारा इंजन चलता है उसमें। अगर हम पेट्रोल को यहां रख के जला देते, तब भी वो जल जाता, तब भी हीट बन जाता, लेकिन हमने वहां रख के नहीं जलाया, हमने अपने इंजन में बूंद बूंद करके जलाया, इस तरह से जलाया कि वो पिस्टन को चलाए और वो एक फोर्स क्रिएट करे, फोर्स, उस फोर्स से क्या होता है, उस फोर्स से मोटरसाइकिल चलती है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वर्क डन, पेट्रोल जलता गया, वर्क डन होता गया, और वो पेट्रोल हीट में कन्वर्ट हो गया। पहले भी 1,00,000 जूल था, अभी भी 1,00,000 हीट बन गई, लेकिन बीच में हमने जो इंजन एक डिवाइस लगा दी, उसके कारण हमको क्या मिला, उसके कारण हमको मिला 1 क्रिएटेड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ। इस तरह से ये जो चीज है वर्क डन, दिस इज डन व्हेन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। अच्छा, ये चीज, अब ये एक प्रोसेस हमने समझी कि वर्क किसको कहते हैं, लेकिन इस वर्क की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेट कैसे करते हैं? तो अगर एनर्जी लॉस नहीं होती है, एनर्जी खर्च नहीं होती है, तो फिर हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि कितना वर्क करने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना पेट्रोल चाहिए, ये हमको कैसे पता लगता है? बहुत आसान है, 10 लीटर पेट्रोल लीजिए, मोटरसाइकिल चलाइए, 40 किलोमीटर जाएगी, 9 लीटर बच जाएगा,
तो हम क्या बोलेंगे, एक लीटर पेट्रोल कितना काम करता है, मोटरसाइकिल को 40 किलोमीटर ढकेलने का काम करता है। मोटरसाइकिल के ऊपर एक आदमी बैठा है, हमने उसका फोर्स कैलकुलेट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, वर्क डन। तो हमको पता लग गया, क्या पता लग गया कि एक लीटर पेट्रोल जलेगा, इतना वर्क होगा, उसके बाद उस एनर्जी का क्या होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो वर्क डन कितना हुआ, एक लीटर पेट्रोल के एनर्जी के बराबर वर्क डन हुआ। ये बात समझ में आई। तो अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास तरीका ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। ये वर्क डन कौन सा वर्क है, दिस इज मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। ओके, दूसरी तरह के वर्क भी हो सकते हैं और उसमें भी हमारे पास कैलकुलेशन होती है कि हम कैसे कैलकुलेट करें। अब एक चीज हमको स्टोर के बारे में और समझनी है, ये कंसेप्ट हमको क्लियर करना है कि एनर्जी एक वर्क का स्टोर है। हम उस स्टोर को, उस स्टोर में ज्यादा स्टोरेज करना चाहते हैं। जैसे हम अपने घर में एक हफ्ते का अनाज रखते हैं, हम चाहते हैं कि छुट्टी जा रहे हैं तो हमारे घर में हम 15 दिन का अनाज छोड़कर जाएं, तो हम अपने स्टोर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हम बाजार नहीं जा सके तो स्टोर में से हम खर्च करते चले गए तो वो 15 दिन का घट के 2 दिन रह जाता है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि जब हम उसमें डालेंगे तो स्टोर बढ़ जाएगा और जब उसमें से निकालेंगे तो स्टोर कम हो जाएगा। जब हम वर्क को डालेंगे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वर्क करवा लेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। फिर से, किसी भी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करने का मेथड क्या है, डू वर्क ऑन इट, वर्क ऑन, उस पे वर्क करते जाओ, उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी। किसी की बॉडी के पास एनर्जी है और वो वर्क कर रही है, अगर हम उससे वर्क कराते चले जाएंगे तो उसकी एनर्जी का क्या हो जाएगा, कम होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे एक कार चल रही है और हमने उसका इंजन बंद कर दिया, अब वो कार को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तो कार वर्क करते जाती है, क्या खत्म हो रही है, उसकी एनर्जी। अगर उसकी एनर्जी खत्म होती है तो उसके मोशन का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मोशन से थी, अगर उसकी एनर्जी वर्क करते गई एनर्जी खर्च होती गई तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी और जब एनर्जी जीरो तो मोशन भी जीरो, कार खड़ी हो जाएगी। तो एनर्जी का किससे रिलेशन है, वेलोसिटी से। एनर्जी का किससे रिलेशन बना, वर्क डन से। व्हेन वी डू वर्क ऑन ए बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीज, व्हेन ए वर्क इज डन बाय द बॉडी इट्स एनर्जी डिक्रीज। ये वाला प्रिंसिपल नोट कर लीजिए, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल, स्टोर का प्रिंसिपल है। स्टोर में आप फिलअप करेंगे बढ़ जाएगा और स्टोर से निकाल लेंगे तो कम हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को समझकर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाते। एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसका मास m है, वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी चीज पर वो फोर्स नहीं लगा सकती, ये अपनी जगह खड़ी है, इस पर कितना फोर्स लगा रही है, कुछ नहीं लगा रही, वेलोसिटी नहीं है, किधर भी फोर्स नहीं लगा पा रही है, कोई काम नहीं कर पाती, फोर्स करके डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस, सो इट इज नॉट एबल टू डू द वर्क, इट हैज नो एनर्जी, ओके, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। अब हमने उसको वेलोसिटी दी, कैसे वेलोसिटी देंगे हम उसको, फिर से हम वेलोसिटी देने के लिए उस पर एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर उसको एक्सेलरेट करते, फोर्स लगाया, फोर्स से एक्सेलरेट किया,
एक्सेलरेट किया, साथ ही साथ ये डिस्प्लेस होते चले गए, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर रहे हैं, वर्क। सो वी आर डूइंग वर्क ऑन दिस बॉडी। वर्क करने का तरीका क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। This is at rest. At rest का मतलब U zero. A force applied on it, F, and it is displaced by S. F फोर्स लगाकर कहां तक धक्का दे दिया उसको, S डिस्टेंस तक हम पुश करते गए। ये अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V। फोर्स लगाने के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और बढ़कर V हो गई। Then work done. Work done on body. W is equal to force into displacement. ये ठीक है? Okay. Force को हम क्या लिख सकते हैं? Force is mass into acceleration. Into displacement S, M into A into S, ठीक है। अब ये देखिए A into S, काइनेमेटिक्स का थर्ड फॉर्मूला याद करिए, V square minus U square is equal to, तो AS किसके बराबर हुआ, V square minus U square upon 2, तो इसको हम लिख देते हैं M V square minus U square upon 2 हाफ, ये कर दिया, ये समझ आया। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब ये बिल्कुल एनर्जी लेस था, यस इट वाज नॉट मूविंग, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, ओके एट रेस्ट। ये यू को जीरो कर दीजिए तो वर्क डन कितना आ गया, यस टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, कौन सी बॉडी है ये, मूविंग बॉडी, टोटल वर्क डन ऑन दिस। मूविंग बॉडी इज हाफ एम वी स्क्वेयर, ये आ गया। अब जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो क्या होता है उसका, वर्क का दैट इज एडेड टू इट्स स्टोर, वो क्या बन गई इसकी एनर्जी। अच्छा तो इसके पास एनर्जी आ गई और इसके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, क्योंकि हमने फोर्स लगाया, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ गई। सो टू थिंग्स हैव कम, वेलोसिटी एंड एनर्जी, वर्क का स्टोरेज और वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आती है उसका नाम क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क कन्वर्ट्स इनटू
this work converts into kinetic energy. So how much is kinetic energy now? Kinetic energy is equal to half mv square. This is kinetic energy. किस बॉडी के पास ये एनर्जी होती है जिसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होती है? v. ठीक है, ये v वेलोसिटी कैसे आ गई? हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क किया, वो एनर्जी, वो वर्क इसके पास स्टोर हो गया इतना, और उसके कारण ही, बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन, इट्स वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड. देयरफॉर दिस वेलोसिटी इंडिकेट्स इज हैज एनर्जी, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दैट एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर, बिकॉज दिस एनर्जी इज ड्यू टू, इट इज इंडिकेटेड बाय वेलोसिटी, देयरफॉर इट इज काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया. अब अगर इसकी वेलोसिटी वी के बजाय कुछ और होती, जैसे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए पी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम पी स्क्वेयर. एनर्जी, इसकी वेलोसिटी क्यू है, हाफ एम क्यू स्क्वेयर. इसकी वेलोसिटी यू है, हाफ एम यू स्क्वेयर. ये है काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब देखिए, एक बॉडी, एक मोटरसाइकिल मूव कर रही है यू वेलोसिटी से, तो उसके पास कितनी एनर्जी है? हाफ एम यू स्क्वेयर. हमने उसको धक्का दिया, धक्का दिया मींस फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वी हैव डन वर्क ऑन इट, उसकी एक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई. उसका इंडिकेटर क्या है? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो पहले जो वेलोसिटी यू थी वो बढ़ के कितनी हो गई? वी. अब उसके पास कितनी एनर्जी हो गई? हाफ एम वी स्क्वेयर. ये उसके पास नई एनर्जी हो गई. तो जैसे जैसे एनर्जी कम या ज्यादा होगी, उसका इंडिकेटर कहां से मिलेगा? वो वी स्क्वेयर से मिलेगा. वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब इसमें डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमको क्या देता है? फिर से मैं इसको कंप्लीट करता हूं. मोटरसाइकिल यू से चल रही थी, उसके पास वेलोसिटी थी, उसके पास एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वेयर. वी हैव डन सम वर्क ऑन इट, अप्लाइंग फोर्स, डूइंग ए पुश, its velocity increase, its velocity become v, and now it has kinetic energy half mv square. Then there is a change in kinetic energy. What is the kinetic energy final? Kinetic energy initial in this process, half mv square, half mu square. पहले u से चल रहा था और बाद में v square. ये जो चेंज इन एनर्जी है क्यों आ गया इसके पास? बिकॉज वी हैव डन सम वर्क ऑन इट. सो दिस चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन ऑन द बॉडी. ठीक है, या वर्क डन बाय द बॉडी. ऑन और बाय का फैसला कैसे होगा? इफ द एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, देन द वर्क इज डन ऑन द बॉडी. If the energy has decreased, work is done by the body. Or indicator kaun hai energy ka? Velocity. So if the velocity has increased, the work is done on the body. If the velocity has decreased, work is done by the body. ठीक है, लेकिन ये जो चीज है equal, this gives us a theorem, and that theorem is that work is equal to difference of kinetic energies. हमने एक बार बॉडी देखी, एक मोटरसाइकिल को देखा, उसकी स्पीड थी 60. थोड़ी देर बाद देखा, उसकी स्पीड हो गई 40. तो तब तक मोटरसाइकिल हमको बिठाकर कुछ मीटर दूर ले गई होगी. फोर्स लगाकर मोटरसाइकिल ने हमारी बॉडी पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तभी तो वो 60 से 40 हुई. कितना वर्क कर दिया उसने, तो हम तो वर्क नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको फोर्स नहीं मालूम है. डिस्प्लेसमेंट भले हमको मालूम हो, लेकिन मोटरसाइकिल हमारी बॉडी पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना फोर्स लगा रही है हमको नहीं पता. हाँ,
एक चीज हमको उसके मीटर से पता लगता है कि पहले उसकी स्पीड 60 थी, फिर उसकी स्पीड 40 हो गई। अगर मैंने यहाँ पे 60 लिखा, यहाँ 40 लिखा, कैलकुलेट किया, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? डिफरेंस इन दी एनर्जी, जो कि एनर्जी उसकी कम हो गई। अब मैंने अपना थ्योरम लगाया कि ये जो डिफरेंस इन एनर्जी का आया, क्यों आया होगा? क्योंकि मोटरसाइकिल ने वर्क किया, उससे वर्क निकला, वर्क किया, और वो क्या वर्क कर रही है? हमारी बॉडी को लेके डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मूव कर रही है। तो कितना वर्क किया? तो मैं वर्क के जो दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल लिया, क्योंकि मुझे मालूम है डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन ऑन द बॉडी, और वो सिर्फ यही वर्क कर रही है। वर्क इज डूइंग ऑन माई बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए वहां पर मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा? बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन दी एनर्जी ऑफ दी मोटरसाइकिल। समझ आया? तो ये वाला एक थ्योरम बन गया, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू दी वर्क डन इन द प्रोसेस, ऑन हो या बाय हो। इसके लिए उसको हटा के हम क्या कर देंगे? वर्क डन इन द प्रोसेस। और हम ये समझते हैं, इफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग, वर्क इज डन ऑन द बॉडी, इफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग, वर्क इज डन बाय द बॉडी। ओके, सो इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका टाइटल दीजिए ऊपर में, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। This is work energy theorem. Okay, कई बार हमसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है, what is work energy theorem? Prove it. तो प्रूफ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा प्रूफ आप ये कर चुके। What was this proof? Work done on a body is equal to half mv square minus half mu square. What is this? Kinetic energy. Anyway, अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो मैं इसको उल्टा दो लाइन में बनाऊंगा इस तरह से, डिफरेंस इन टू काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल टू, देखिए, डिफरेंस इन टू काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस इन टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू हाफ एम v square minus u square. This is equal to half m. और v square minus u square किसके बराबर होता है? 2as. This is equal to m into a into s. This is equal to force into displacement. This is equal to work. तो कहां से शुरू किया? Difference into kinetic energy किसके बराबर आ गया? Work done. This is the proof. पिछली बार हमने क्या किया था? Work done a body is change in energy. तो आप work done in a body to change in energy ऐसा करोगे? Change in energy is equal to work done ऐसा करोगे? बीच का factor क्या याद रखोगे? V square minus U square is equal to 2As. Okay. So ये हो गया work energy theorem. अब इससे हम लोग एक चीज समझ गए हैं, किसी भी बॉडी पे वर्क करेंगे
उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी भी बॉडी से वर्क करवाएंगे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। दिस इज सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हमने इसको काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रूफ किया है, बट दिस इज ट्रू फॉर एवरी एनर्जी, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एनर्जी। जैसे यहां पर एक हमारी बॉडी में हमने वर्क किया, ये इसके ऊपर ऐसे दबाया, फोर्स लगा, फ्रिक्शन का फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट किया, ये वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। बट फ्रिक्शन के फोर्स में, फ्रिक्शन इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क इज डन, अगेन वर्क इज डन, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बोलिए, वर्क इज डन, वर्क इज डन, वर्क इज डन, वर्क इज डन, एंड द टोटल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी, इज इट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। हम सबको मालूम है क्या कन्वर्ट हो गया, ये हीट एनर्जी। लेकिन हमने तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो कौन से टाइप की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। और प्रोसेस है, एनर्जी चेंज की प्रोसेस के लिए बीच में क्या लगता है, वर्क डन। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समझ में आया, रबिंग का काम कर रहे हैं, इसका नाम वर्क है। तो वर्क किस चीज का नाम होता है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्क। ठीक है, प्रोसेस को हम अपने काम में ले आते हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं, नहीं काम में लाते देन इट इज ए वेस्ट। ठीक है, ओके, सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए अब हम पढ़ लेते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो आपस का रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। सो नाउ वी विल गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, एक बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं है फिर भी वो काम करने की ताकत रखती है, काम करने की कैपेसिटी रखती है। कैसे, जैसे हमने एक खिलौने में चाबी भरी हुई है, चाबी भरने का फिजिक्स में क्या मीनिंग है, स्प्रिंग को टाइट करना, स्प्रिंग को ऐसा टाइट करते गए, टाइट करते गए, और जब वो पूरा ऐसा टाइट हो गया तो उसको हमने एक चिटकनी लगा के बंद कर दिया। फिर से सुनिए, हम एक रिवॉल्वर लेके आए खिलौने वाली, उसके अंदर इतना लंबा स्प्रिंग है, यहां से हमने वो गोली लगाई प्लास्टिक की और ये स्प्रिंग को दबाते चला गया, ऐसे गोली दबा दी। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वी आर डूइंग वर्क ऑन द स्प्रिंग, वर्क ऑन द स्प्रिंग, और ये ऐसा करके छोड़ दिया, लॉक कर दिया इसको, ट्रिगर से लॉक हो गई। अब हमने जो इस पर वर्क किया और हमने अभी अभी स्टडी किया, किसी भी बॉडी पर वर्क करो क्या होगा, उसका एनर्जी का लेवल, एनर्जी का स्टोर बढ़ जाएगा, तो इसके पास एनर्जी आ गई होगी, स्टोर होनी चाहिए। हमको कैसे पता लगा कि इसके पास स्टोर हुई कि नहीं हुई, तो ठीक है इसके सामने खड़े हो जाओ, ट्रिगर दबा दो, वो बता देगी स्टोर हुई कि नहीं हुई। तो वो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए वो स्प्रिंग क्या करता है, खाली जब ऐसा था, मैंने इसके सामने ऐसे गोली रखी और ट्रिगर दबाया, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसको ऐसे दबा दिया, अब अगर आप ट्रिगर को दबाते तो ये क्या करता है, ये इस गोली पर फोर्स लगाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये अब इस गोली पे क्या कर रहा है, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है, ये वर्क, जबकि पहले मैंने ऐसे रखा था तो कोई वर्क नहीं कर रहा था, अब मैंने इसको एनर्जी दे दी, वो एनर्जी इसके पास स्टोर हो गई। ये हमको कब देगा, जब मांगेंगे, जब हम ट्रिगर दबाएंगे। अगर हम ट्रिगर एक साल तक नहीं दबाएंगे तो ये एक साल तक क्या करेगा, उस एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, क्या ये पिस्टल चल रही है, स्प्रिंग चल रहा है, नो, इट हैज नो मोशन। अगर इसके पास मोशन नहीं है तो इसके पास एनर्जी है कि नहीं है, एनर्जी तो है, क्योंकि जब भी हम ट्रिगर दबाएंगे ये फोर्स लगाएगी और गोली में मोशन देगी, उसका डिस्प्लेसमेंट कर देगी, उस गोली को ये काइनेटिक एनर्जी दे देगी,
गोली पे वर्क डन करेगी। तो ये जो एनर्जी स्प्रिंग के पास रखी हुई है स्टोर में, ये एनर्जी जो वेलोसिटी नहीं है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? कैसे आ गई ये एनर्जी इसके पास? पहले तो नहीं थी, ऐसा हमने क्या कर दिया कि इसके पास एनर्जी आ गई? तो इसका आंसर बहुत क्लियर है और आप सब जानते हैं, पहले ये स्प्रिंग ऐसे फैला हुआ था, जब मैंने इधर से गोली डाली, फोर्स लगाया, तो इसको ऐसे दबाया, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे दबाया और लॉक कर दिया। देखिए ये वाला, ये डिस्टेंस क्या हो गया? कम। स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर लंबा था, दबा के कितना कर दिया? 2। मैंने इसकी शेप को डी शेप कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेंथ थी, कितना कर दिया? 2 सेंटीमीटर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का आपस का अरेंजमेंट, जो डिजाइन से मॉलिक्यूल ऐसे पड़े हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको मैंने घुमाया, ऐसा कर दिया, क्या चेंज हो गया? अभी भी 5 पे 5 है, अभी भी 5 पे 5 है, अभी भी 5 पे 5 है। व्हाट आई एम चेंजिंग? आई एम चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? ओके, फिर से ये ऐसे है, इसकी लेंथ को हमने डिक्रीज कर दिया, ये जो डिस्टेंस है, ये जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, चेंज हो गया। वी हैव चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा था रबर, ये रबर के मॉलिक्यूल, ये मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के रबर को ऐसा खींच दिया, रबर पे फोर्स लगाया, मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, क्या कर दिया? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। सो कंप्रेसिंग समथिंग, चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रेचिंग समथिंग, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, एंड ट्विस्टिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह से हो सकते हैं, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड टॉर्शन, उसको घुमा देना। वो चीज ऐसी की ऐसी ही दिखेगी सिलेंडर, पर इसमें भी हमको फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब हम किसी चीज को घुमाते हैं, ऐंठते हैं, तब भी हम वर्क करते हैं, क्योंकि वर्क की बेसिक चीजें क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, वर्क डन हो गया। अगर मैं ये वर्क डन करूंगा और इसको मुड़ा हुआ ही लॉक कर दूंगा, तो वो वर्क डन इसकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। इसको खींचा और खींचा हुआ ही लॉक कर दिया, इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। दबाया, वैसा लॉक कर दिया, एनर्जी लेवल बढ़ गया। इस हर केस में क्या हो रहा है? वो डिफॉर्मिंग हो रही है, डिफॉर्मिंग हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, मोशन नहीं हो रहा। इस तरह से जो एनर्जी इसके पास आती है, जो इसकी पोजीशन चेंज होने के कारण, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण इसके पास एनर्जी आ गई, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फिर से सुनिए, ये एक बॉल है और मैंने इसके ऊपर ये ऐसा रखा, चौक को कुछ नहीं हुआ, ये चौक ने इसको सह लिया। अब इसको मैं ऐसे 5 मीटर ऊपर ले जाके छोड़ता हूं, आता है स्पीड से, इस पर गिरता है, ये टूट जाती है। तो तोड़ने का वर्क ये अभी क्यों नहीं कर रही? ऊपर से आती है तो तोड़ने का वर्क करती है, यानी जब ये ऊपर थी तो इसके पास एनर्जी थी। वो एनर्जी क्यों थी जो यहां पर नहीं है वहां पर थी? तो हमारा आंसर है कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज क्यों हुई? क्योंकि हमने इस पर एक फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कितना? एमजी। एमजी फोर्स लगा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एच, तो हम इस पर वर्क कर रहे हैं। वर्क करते 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 हम इसको यहां ले गए और यही हमने अलमारी के ऊपर इसको रख दिया। अब हमने तो इस बॉडी पे वर्क कर दिया, तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जानी चाहिए। हो गई इंक्रीज, है प्रूफ क्या है? जैसे ही इसको छोड़ोगे ये नीचे आएगा, जिस चीज को हिट करेगा, अगर हमने नीचे टर्बाइन छोटी सी लगाई है, ये आके उसको हिट करेगा तो वो घूमेगी, यानी वर्क करेगी। नीचे खड़ी हुई चीज तो ऐसा नहीं कर सकती थी, ऊपर वाली चीज कर सकती है, यानी ऊपर वाली के पास एनर्जी थी। और ऊपर वाले के पास क्यों एनर्जी थी? क्योंकि इसकी पोजीशन डिफरेंट है।
वो पोजीशन डिफरेंट होने से इसके पास एनर्जी है, ऐसी एनर्जी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अंदर की बात क्या है, अंदर की बात इसमें यह है कि जब इसकी पोजीशन चेंज हुई तो इसने अपने आप नहीं की थी, किसी ने की, किसी ने इस पर वर्क किया, वो वर्क इसके पास स्टोर हो गया एज ए एनर्जी। ये चीज हमको समझनी जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है, किसी ना किसी ने जरूर उस पर वर्क किया होता है। क्योंकि एक चीज हमारे दिमाग में पक्की है कि कोई भी चीज अपने आप एनर्जी पैदा नहीं कर सकती, नहीं उसकी एनर्जी पड़े पड़े अपने आप लॉस्ट हो सकती है, वर्क उस पर किया जाएगा तभी उसके पास एनर्जी आएगी, वो कुछ ना कुछ वर्क करेगी तभी उसकी एनर्जी जाएगी। तो अगर मैं बोलता हूं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो किसी ने दी होगी, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसको एनर्जी किसने दी, मुझसे ये पूछा जा रहा है इसके पास एनर्जी कितनी है बता दो और क्यों है बता दो। तो क्यों है का मैं आंसर क्या देता हूं कि इसकी पोजीशन डिफरेंट है, ये ऐसा कंप्रेस्ड है, ये ऐसा एक्सटेंड है, ये ऐसा मुड़ा हुआ है, इसलिए इन सब के पास इनकी पोजीशन के कारण एनर्जी है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, उसमें मोशन नहीं चाहिए, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि ये सारी सिचुएशन जब भी पैदा हुई थी किसी ना किसी ने इस पर वर्क किया था, वो वर्क इसकी एनर्जी बन के स्टोर हो गया और उसका नाम क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। Due to change in its position or configuration. ठीक है, हम चाहें तो इसको लंबा कर सकते थे, डी शेप हो जाने से, लेंथ बढ़ जाने से, ये सब की जरूरत नहीं है, सबके लिए एक वर्ड क्या है, चेंज इन कॉन्फिग्रेशन। ओके, ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन, चेंज इन शेप से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि अगर हमारे पास ये एक शेप आपको दिख रही है, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ये तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या सबूत है आ गई, क्योंकि ये ऐसी मुफ्त में थोड़ी हो गया, मुझे फोर्स लगाना पड़ा, डिस्प्लेस करना पड़ा, तो ये क्या है, वर्क डन। वर्क जाएगा कहां, इसके पास स्टोर हो गया तो इसकी एनर्जी बन गई। तो ये ऐसा वापिस भी कर सकता है उस एनर्जी को, तो ये डी शेप होने की एनर्जी, लेकिन डी शेप होना अपने आप में चेंज इन कॉन्फिगरेशन है, इसलिए ये सफिशियंट है। चेंज इन इट्स पोजिशन और चेंज इन कॉन्फिगरेशन गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चेंज, वर्क इज डन ऑन इट। Which converts to energy. Which converts to potential energy. जो इस चेंज के लिए हम इस पे वर्क करेंगे वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको बनाना है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलास इस पर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह का चेंज कर रहे हैं, किस बॉडी में चेंज कर रहे हैं, किस तरह का फोर्स लगाते हैं, किस तरह का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मैंने एक बॉडी पे टॉर्क लगाया, टॉर्क लगा के उसको ऐसा घुमाया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये यहीं की यहीं है बॉडी, ये
इसकी पोजीशन कितने मीटर चेंज हुई, कोई भी चेंज नहीं, अपनी जगह पर ही है ये, लेकिन मैंने वर्क किया कि नहीं इस पे, किया तो इसके पास एनर्जी आ गई। तो अब मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, यहां से मैंने उठाया, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क किया और इसकी पोजीशन चेंज करके ये इसको रख दिया। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि फोर्स अलग था, डिस्प्लेसमेंट अलग। इसी तरह से एक स्प्रिंग को मैंने ऐसे कंप्रेस किया, इसका फॉर्मूला अलग है। तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, दो चार मेन फॉर्मूलाज हमको बनाने हैं। उसके बाद जब जब आप एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, हीट की एनर्जी, सब जगह आपको उस एनर्जी के फॉर्मूलाज आते चले जाएंगे। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी के जो बड़े कॉमन फॉर्म्स हैं उसको हम देखते हैं। किसी बॉडी की पोजीशन जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज करते हैं, यानी उसको एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, दैट इज फॉर द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये एनर्जी कितनी होती है इसका फॉर्मूला नोट करेंगे और इसको हम क्या याद करेंगे, टाइटल देखिए, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटी, नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, वी विल राइट अगेंस्ट ग्रेविटी। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके, एक बॉडी यहां पर है, इसका मास है m और इसको हम ग्राउंड से यहां से ऊपर ले जाते, यहां तक ले गए और यहां से यहां तक की हाइट हमने ट्रेवल कराई h, h ऊपर ले गए। अगेंस्ट ग्रेविटी, ओके, वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज mg। हमको बॉडी पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितने फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींच रही है, अर्थ इसको नीचे खींच रही है mg से, तो हम भी इस पर कितना फोर्स लगाएंगे mg, तो हमने इस पर mg फोर्स लगाया और इसको बिना एक्सेलरेशन के धीरे धीरे ऊपर ले गए। तो हमेशा उस पर कितना फोर्स लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना h, सो हाउ मच इज द वर्क डन mgh। अब ऊपर ले गए बिना वेलोसिटी क्रिएट किए और यहां जाके हमने इसको रोक दिया, अब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हमने जो वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में, और उस एनर्जी का नाम हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज देयर इज ए चेंज इन पोजीशन, सो दिस कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। So, change in gravitational potential energy, क्या formula हुआ? Change in gravitational potential energy is equal to mgh. Change in gravitational potential energy is mgh. इसमें से normally आप देखेंगे स्कूल में
क्लास में, बुक्स में, सब जगह इतना सा पोर्शन साइलेंट रहता है। और हम क्या याद रखते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, MgH। ठीक है, हमारे डे टू डे पर्पस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना लेना है, MgH। पर एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये यहां पर रखा हुआ है और इसको हम ये हाइट पर ले गए, यहां पर इसके पास एनर्जी है 500, यहां पर इसके पास एनर्जी है 650। व्हाट इज द चेंज, 150। यहां से फिर से Mg मल्टीप्लाइड बाई H, 150 आया। फिर से यहां से इसका हमने M लिया, Mg की वैल्यू है 15 और इसकी हाइट ले गए 10। कितना वर्क डन किया हमने, 150। वो इसकी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 150 है पर नहीं है, क्यों, हमने तो 150 वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी उतनी इंक्रीज हुई, पर ये आपसे किसने कह दिया कि यहां पे जीरो थी, नहीं थी ना, हमको नहीं मालूम थी या नहीं थी, लेकिन चूंकि हमको मालूम नहीं है इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि भैया हमने कितना काम किया, 150, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 150। अगर हम इसको बोलेंगे वापस काम दे दो हमारा, ये यहां आएगी और कितना काम लौटा देगी हमको, 150। फिर हम इस पे 150 काम करेंगे, ये यहां चली जाएगी, फिर ये यहां वापस आएगी, कितना काम कर देगी, 150। फिर ये यहां गई तो हम बोलेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, 150। क्योंकि ये जो यहां पर इसके पास 500 एनर्जी है, ये तो हमारे कोई काम आ ही नहीं रही है, हमारे लिए वो जीरो के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल, जीरो लेवल। ओके, जैसे अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको यहां पर इसके पास कोई एनर्जी है कि नहीं है, हाइट कितनी है इसकी, जीरो। तो इसके पास एनर्जी कितनी है MgH के अनुसार, जीरो। पर अगर मैं इसको यहां लाके छोड़ दूं और ये नीचे गिरेगा, अगर ये नीचे गिरेगा तो फिर से कुछ वर्क करेगा। अब अगर ये नीचे गिर के ऐसे वर्क करेगा तो इसके मतलब है इसके पास एनर्जी थी, तभी तो वर्क किया। तो आप बोलेंगे बिल्कुल थी, क्योंकि फ्लोर से इसकी हाइट है, वो वाला H अगर लोगे तो वो एनर्जी इसके पास है, MgH। अब अगर ये यहां से नीचे फ्लोर पे गिर गया, हाइट कितनी हो गई, जीरो। अब एनर्जी कितनी, MgH जीरो। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आगे ले गए फ्लोर में, एक जगह गड्ढा है, वहां आप ले जाओगे, फिर वो और नीचे गिरेगा, तो हम बोलेंगे अरे इसके पास तो एनर्जी थी, नीचे गिरा और इसने वर्क करके दिखाया हमको, तो जीरो एनर्जी कहां होगी फिर, सेंटर ऑफ अर्थ पे कहां होगी। हाँ, क्योंकि आप ऐसे गड्ढा करते जाएंगे तो ये तो नीचे जाता जाएगा। तो आफ्टर ऑल अगर ये यहां पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, आपने कहा MgH, करो H कैलकुलेट, तो H कहां से कैलकुलेट करोगे, आप यहां से करोगे तो इन दोनों के बीच की एनर्जी आएगी, फ्लोर से करोगे तो उन दोनों के बीच की आएगी, कुएं के नीचे से करोगे तो वहां से आएगी, सब ठीक है। ये यहां से यहां तक गिरेगा, इस MgH के बराबर काम करेगा, यहां से फ्लोर पे गिरेगा उस MgH के बराबर काम करेगा, कुएं में गिरेगा तो उस MgH के बराबर काम करेगा। तो आफ्टर ऑल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, तो हम बोलेंगे ठीक है जितनी भी है उसको अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जगह जो यहां से H ऊपर है, कितनी ऊपर है, H, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना, MgH, ये पक्का है। ठीक है, तो यहां पर इसकी एनर्जी 500 थी, 1000 थी, 1200 थी, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है अगर यहां 1200 थी तो यहां 1350 हो जाएगी, अगर यहां 500 है तो यहां 650 हो जाएगी। तो MgH हमेशा हमको क्या देता है, डिफरेंस इन दी टू पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स। इसलिए ये फैक्ट याद रखिएगा कि MgH पोटेंशियल एनर्जी का
फॉर्मूला है, ट्रू, पर ये एक्चुअली क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आगे जाके जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ेंगे, तब मैं आपको फिर बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। उस समय आप देखेंगे कि दो एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जब आप डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके, तो दो चार लाइन की कैलकुलेशन के बाद MgH आ जाता है वहां पे। MgH, ये वो MgH है। एनीवे, अभी हम सिर्फ क्या याद रखते हैं, एक बॉडी पर वर्क करके H ऊपर उठाइए, कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गई? MgH। एक बॉडी अपनी पोजीशन से H नीचे आ गई, कितना वर्क करके देगी हमको? MgH। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लीजिए, बॉडी लिफ्टेड अप, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, MgH। बॉडी कम्स डाउन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कितनी? MgH। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? वर्क इज डन ऑन द बॉडी, इस केस में वर्क इज डन बाय द बॉडी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क का रिलेशन, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये अब इसके बाद अगली चीज देखिए, वी विल टेक नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। एक हमारे पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में हमने उसको टाइट किया, कंप्रेस किया, फोर्स लगाया और वो कंप्रेस होता चला गया। हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए हम उस पर वर्क कर रहे हैं। जब हम उस पर वर्क करते हैं तो वो वर्क जाकर उसकी एनर्जी बन जाता है। अब वो एनर्जी कितनी होती है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो देखिए, अभी जो हमने किया था, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने एक चीज मानी थी, वो क्या चीज थी, जरा उसको समझिए। यहां से जब हम अर्थ से बॉडी को एच हाइट तक ऊपर उठाते, यहां पर इस पर कितना फोर्स लगता है? एमजी। जब ये बॉडी थोड़ा सा यहां पहुंचती है तब भी कितना फोर्स है? एमजी। यहां पर पहुंचती है तब भी हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? एमजी। ठीक है, ये इतनी कम हाइट है कि फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, तो ये वाला जो फोर्स है वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म, यानी यहां भी एमजी है, यहां भी एमजी है, यहां भी एमजी है, द फोर्स इज नॉट चेंजिंग। इसलिए हर जगह पर वर्क डन कैसा होगा? एक जैसा वर्क डन है। शुरू में एक मीटर जब हम यहां से यहां ले गए, एक सेंटीमीटर, एमजी इंटू वन सेंटीमीटर, यहां से यहां एक सेंटीमीटर ले गए तो वर्क डन एमजी इंटू वन सेंटीमीटर, यहां से यहां एक सेंटीमीटर ले गए वर्क डन इज इक्वल टू एमजी इंटू वन सेंटीमीटर, सब जगह बराबर हुआ। अब दूसरे केस में स्प्रिंग में देखिए, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये, और स्प्रिंग को हमने यहां पर फोर्स लगाया, शुरू में एक सेंटीमीटर दबाया, कुछ फोर्स लगा ही नहीं, सॉफ्ट था स्प्रिंग। उसके बाद वाला जब एक सेंटीमीटर और दबाया, फिर एक सेंटीमीटर और दबाया, स्प्रिंग टाइट होना शुरू हो गया। जब स्प्रिंग टाइट होना शुरू हो जाएगा तो वो भी उल्टा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो शुरू में यहां पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, और जब हम स्प्रिंग को इतना दबा चुके होंगे, ये, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये बताइए,
F1 और F2 इक्वल है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, F2 बहुत ज्यादा है। तो स्प्रिंग को दबाने में जो फोर्स लगता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स? वेरिएबल। और इसको जब मैं ऊपर उठा रहा हूं, mg, इसका नाम यूनिफॉर्म फोर्स। ये कैसा है? यूनिफॉर्म, mg, एक जैसा। और स्प्रिंग को दबाता हूं तो यहां पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। समझ में आया? तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा फोर्स यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। जब हमारा फोर्स यूनिफॉर्म होता है तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? पूरे डिस्प्लेसमेंट में यही फोर्स रहा है, इसलिए एक एक मिलीमीटर में यही फोर्स रहा है, इसलिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये mg पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा होता तो ये हम यूज नहीं कर पाते। तो क्या करते? देखिए यहां पर आते, ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स किया हमने। अब हमको बोला जा रहा वर्क निकालो, तो वर्क निकालने के लिए फोर्स कौन सा लेंगे? दैट बिकम ए प्रॉब्लम। फोर्स की कैलकुलेशन कितनी? ओके, तो पहले फोर्स ऑन द स्प्रिंग, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले। ये लॉज ऑफ मोशन में हमने नहीं किया था, स्प्रिंग कांस्टेंट किया नहीं किया? ओके, ठीक है, इसी के लिए छोड़ा था। देखिए सबसे पहले स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स कितना होता है। हम किसी स्प्रिंग पर एफ फोर्स लगाए और इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, एफ फोर्स लगाया एफ और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा? एफ। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एफ अपॉन एक्स। अब इसको फिर से समझिए, हमको स्प्रिंग पर फोर्स लगाना ही क्यों है? हम स्प्रिंग को बोल रहे हैं दब जाओ, तो वो दबता क्यों नहीं? नहीं दबता। हमने उसको दबाने की कोशिश की तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा हाथ आगे बढ़ता है तो स्प्रिंग अपने अंदर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैदा कर लेता है। हमने उसको थोड़ा सा दबाया और वो वापस जाना चाहता है, वापस जाने के लिए अपने अंदर वो एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पैदा कर लेता है, दैट इज इलास्टिसिटी फोर्स, सिंपल लैंग्वेज में स्प्रिंग फोर्स। वो स्प्रिंग फोर्स पैदा होता है और वो हमारे हाथ को दबाता है। फिर हमने और फोर्स लगा के इसको स्प्रिंग को दबा दिया, उसने अपने अंदर और फोर्स पैदा कर लिया। हमको कैसे पता लगा उसने और फोर्स पैदा कर लिया? क्योंकि पहले हम 1 न्यूटन दबाते थे तो ये दब जाता था, अब नहीं दब रहा है। हम अब लगाते 5 न्यूटन तब जाके ये 1 सेंटीमीटर दबा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो हमारा अपोज कितने फोर्स से कर रहा होगा? 5 न्यूटन से, तभी तो हमको 5 लगाना पड़ा। अब 1 सेंटीमीटर और जाने के बाद हम देखते हैं वो फिर रिफ्यूज कर रहा है जाने के लिए, तो हमको 10 न्यूटन लगाना पड़ा। अब हम समझ गए कि वो अंदर से कितना अपोज कर रहा है, 10 न्यूटन, तभी तो हमको 10 लगाना पड़ा। तो ये जो स्प्रिंग अपने अंदर से एक अपोजिशन का फोर्स बना लेता है, वो फोर्स हर 1 सेंटीमीटर पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसकी, जितना उसको दबाते जाएंगे उतना वो उस अपने फोर्स को बढ़ाता चला जाएगा। तो हर 1 सेंटीमीटर पर दबाने पर वो अपने फोर्स को जितना बढ़ा लेता है उसको हम कहते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर से, जब हम एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग छोटा होता है तो इस फोर्स का नाम हम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम देंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये इस स्प्रिंग ने, ये हमको डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये अपने अंदर से एक ऐसा फोर्स लगाना शुरू कर देता है जिसको काउंटर करने के लिए हमको ये फोर्स देना पड़ेगा। अगर हम ये फोर्स नहीं देते तो ये वापस यहां आ जाएगा धक्का देके, है ना? और ये फोर्स कितना है?
जितना हमको ये लगाना पड़ रहा है, लगाने वाला फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब अंदर का फोर्स भी बढ़ रहा है। ये जो अंदर वाला फोर्स होता है जो इसको इसकी पोजीशन में रीस्टोर करना चाहता है, क्या करना चाहता है? रीस्टोर। इसका नाम हमने रखा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब देखिए, हम जो अप्लाई करते हैं उसका नाम डिफॉर्मिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर जो पैदा हुआ उसका नाम रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये बढ़ता जाता है, ये किसके प्रोपोर्शनेट होता है? रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनेट टू एक्स। एक्स मतलब जितना दबाएंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनेट टू एक्स। सो एफ इज इक्वल टू के एक्स। के क्या है? कॉन्स्टेंट। वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट रिलेटेड टू स्प्रिंग known as spring constant, known as spring constant. तो k क्या हुआ? k is equal to f upon x. if x is equal to 1, then K is equal to F. Therefore, the spring constant is the force को अगर हम 1 कर दें तो k क्या है? f। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज ए फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू और व्हिच इज जनरेटेड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय ए यूनिट लेंथ। एक लंबे स्प्रिंग को हमने 1 मीटर दबाया तो वो जितने फोर्स से हमको वापस दबाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका हमको कैसे पता लगेगा उसने कितने फोर्स से दबाया? ये तो सबसे आसान है, क्योंकि वो जितने फोर्स से दबाएगा उतना ही फोर्स तो हम ऊपर लगा रहे हैं। हम तो अपना फोर्स नापेंगे और ये फोर्स लग ही क्यों रहा है उतना, क्योंकि वो अपने अंदर से उतना लगा रहा है। सो डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ ना, तो इधर से नापो या उधर से नापो फोर्स तो एक ही आएगा। तो ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, मोटे स्प्रिंग का कि पतले का? मोटे स्प्रिंग का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दबाने से वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। समझ आया? अगर हम बोलते हैं एक स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। समझ आया? ये क्वालिटी याद रखिएगा। एक रबर बैंड का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है और एक टाइट स्प्रिंग का ज्यादा होता है। तो ये हमको क्या देता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ किसका फॉर्मूला है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स में। अगर हमने इसको एक्स डिस्टेंस तक दबाया तो वर्क डन कितना होगा? तो देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू, अब इसको इस तरह से बनाएंगे, वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर स्मॉल
compression for small displacement, that is dx. ये क्योंकि अब देखिए ये फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए ना हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते, यहां पर हर जगह फोर्स की वैल्यू बदल रही है तो कौन सा फोर्स लेना। तो हमने क्या कहा कि कहीं पर भी फोर्स लेंगे एक बड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते, कितना dx, dx इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि उसके अंदर फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती, जितना dx के शुरू में उतनी dx के लास्ट में, ऐसा मान लेते क्योंकि dx बहुत छोटा है। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा फिर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब हमको परमिशन होती है, देन वी आर अलाउड टू यूज द फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम एक बड़ा छोटा सा वर्क निकालते हैं, dW, दिस इज इक्वल टू F into dx for a small displacement dx. इसके बाद for the full displacement x, for full displacement x work done कितना हो जाएगा, work done is equal to, इसको integrate कर लेंगे F dx, किस value के लिए, x value के लिए, ये आ गया इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब इसको आगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ, एफ का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, एफ स्प्रिंग में कितना होता है के एक्स, ये अब यहां पर लाएंगे। सो वी विल राइट इट, वर्क इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, के कॉन्स्टेंट है पर एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। सो This is equal to k बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x to the power 2 divided by 2. So this work is equal to half kx square, half kx square. ये वर्क जो हमने उस पर किया ये कहां चला गया, This is converted into potential energy of the spring. तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, हाफ के एक्स स्क्वेयर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। What is K? Force constant of the spring. What is X? Displacement or compression which is given to the spring. And what is half KX square? Potential energy which is stored in the spring. Spring में लगने वाला force कैसा होता है? Variable force. Zero से start होता है, F तक जाता है. MGH में लगने वाला force कैसा होता है? Uniform. Mg से ही शुरू होता है, Mg पर ही खत्म होता है, समझ में आया, x के साथ बदलता नहीं है। ऐसे के एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, फोर्स लिखो Mg, डिस्प्लेसमेंट लिखो h, हो गया। वेरिएबल में भी फॉर्मूला याद रखिए, एक कांस्टेंट आएगा ये, और ये वेरिएबल है इसका स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे ये एक बहुत फेमस फॉर्मेट है, एक इसका काम हम कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, हाफ आया, एम एक कांस्टेंट है, चलती हुई गाड़ी का मास नहीं बदलता, और वी क्या है, वेरिएबल, तो हाफ एम वी स्क्वेयर, वैसे ही हाफ के एक्स स्क्वेयर। अभी आप 50 तरह की एनर्जी पढ़ेंगे सबका फॉर्मूला यही, हाफ कांस्टेंट और एक वेरिएबल का स्क्वायर, जिसके कारण वो एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के कारण है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो एनर्जी वेलोसिटी के कारण थी तो हाफ एम वी स्क्वायर,
इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हाफ म्यू बी स्क्वायर। इस तरह से जितने एनर्जी के फॉर्मूले आएंगे सबका फॉर्मेट यही रहेगा। तो ये धीरे धीरे आप पहचान जाएंगे कि अरे ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है। समझ आया? ओके, एक छोटी सी चीज, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, जो वर्क की डायमेंशन है ML2T-2, इसको आप करके देखेंगे वही आएगा ML2T-2। एक और चीज, ये फोर्स कांस्टेंट आपने बताया, ये इसका थोड़ा यूनिट बता दीजिए मेरे को, क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, इसका यूनिट, एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, यस, न्यूटन पर मीटर। नोट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर, ये हो गया। ओके, दूसरा डायमेंशंस बोलिए, एम एक एल तो कैंसिल हो गया नीचे, ये एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या था एम एल टी माइनस टू, एक एल इससे कैंसिल कर दीजिए, अब क्या बचेगा एम टी माइनस टू। ठीक है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है ना, और एक्स का एल, इसलिए एम टी माइनस टू, ये फोर्स कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, सो अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी। एक बॉडी जब मूव करती है, रुकती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है, तो वो पोजीशन भी चेंज कर रही है और अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर रही है। ये इस बॉडी के पास अभी हाइट है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है। जब मैं इसको छोड़ता हूँ, इसकी हाइट खत्म हो जाती है और इसके पास वेलोसिटी आ जाती है। देर आर चेंजेस फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट आर दीज चेंजेस, हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू यू, दिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।